ओम कुन्नाल न तदियलोला अन्नदानलो शादतुल्ला इला وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد ادراک معزز مکرم علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
बिरादरी मोहतरम मौलाना काजी अब्दुर्रऊफ साहब मियाँ मोहम्मद साहब इन्हां दे हुक्म की तामील करदे होया एक बार फिर हाजरी की शहादत हासिल हो रही। अल्लाह तमाम शुरका की हाजरी नूं कबूल फरमाए और अपनी रहमत कामला दे नाल सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। मैनू हुक्म किया गया ही भाई अजमत साहबा सुनाई जाए। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाकीज़ा जमात थोड़ा कम कर लिया। आका दे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इतनी पाकीज़ा जमात है कि इन्हां नूं दुनिया ते ही अल्लाह ने अपनी रजा दे परवाने अता फरमाए। इन्हां दे औसाफ नूं अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बनाया है। उन्हां दे कामिल ईमानदार होण दीआं अल्लाह ने गवाहियां दित्तियां। इतनी पाकीज़ा लोग हन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महफिल इन्हां नूं नसीब हुई। जितने आला दिल वाले आला मिजाज वाले अल्लाह दे इलम जान वो सारे चाहते अल्लाह ने मेरे नबी दे साहबी बना दिते। साहबियत दा मकाम बहुत बड़ा मकाम है। मेहनत दे नाल कोशिश दे नाल हाफिज कारी आलिम इते बनया जा सकता है। ज़्यादा इबादत और ज़्यादा सखावत दे नाल बंदा अच्छा इंसान और आबिद तो बन सकता है लेकिन सहाबी नहीं बन सकता। उन्हां नूं अल्लाह ने आप चुनिया जिवें नबूवत अल्लाह आप इंतखाब करदा ये मेरा नबी है। इंजे सहाबियत वास्ते भी अल्लाह आप चुनदा है जो ये मेरे नबी दे रुफका बनन दे काबिल है। शायद बल्कि कई साहब नूं इत्थे बोलणे इत्थे आउणा जी तुसीं इत्थे मेरे कोल अस्सलाम वालेकुम। पांच सिफतां इस मौके ते इकट्ठियां अल्लाह ने सूरत अनफाल च बयान कीतियां। मैं इख्तिसारन ओही अर्ज करना चाहता। अल्लाह तुहानू मैनू फिर उहदे अमल की तौफीक अता फरमाए। जिवें नबूवत अल्लाह आप चुनदा है इंजे सहाबियत का तमगा भी अल्लाह आप ही देंदा है। मक्के शरीफ च रहण वाले बड़े बड़े लोग आन जिहड़े अपने आप को जीरक दाना सियाणा ही गिणदे आ लेकिन उन्होंने आका का कलमा नसीब नहीं होया। ईमान वाली नेमत नहीं मिली मारूम रह गए। उस जाया है हबशे तो काले रंग दे बिलाल नूं उसने तौहीद सुन्नत नूं सीने नाल लाया है फिर उसनों मारिया गया। जुलम दी अखीर हो गई। बिलाल दी जबान चो अहद अहद दे नारे बजते रहे।
फिर अल्लाह ने भी इतनी इज्जत दी थी कि बिलाल अबशी फिर टहलदा मक्के दियां गलियां चौंदा ही उहदियां जुतियां दी आटा अल्लाह उत्ते सुना दिंदा ही। अगर दिलों यारी अल्लाह और उहदे रसूल नाल लग जाए फिर अल्लाह भी इज्जतां देंदे, बशर्ते कि उह दिलों यारी होए। ये जमात इतनी अजीम जमात बनी, ये छड़ा खुद कामयाब नहीं बेफकत वो ही कामयाब है, बल्कि अल्लाह फरमाता है फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फकद इहतदौ। आड़ वाले जड़े लोग हैं ओ हुण ईमान इंज लैके आवन जिवें मेरे नबी दे सहाबा लैके आए। ईमान के अंदर सहाबा की तकलीद और ताबेदारी का हुक्म अल्लाह आप देता पाया, अपनी मर्जी का हुण ईमान भी काबिले कबूल नहीं, अपनी मर्जी की हुण सोमो सलात भी काबिले कबूल नहीं, बल्कि जिवें मेरे नबी दे यूनिवर्सिटी के फुजला के उत्ते रंग चढ़ चुका है उन्होंने मैं मेयार हक बना दिता है, हिदायत का मीनार बना दिता है, जिहड़ा हुण चाहुंदा है मैनू जन्नत मिले वो इन्हां दे पिछे पिछे चले। इस वजह तो आका ने फरमाया मर रहा नहीं और मर रहा नहीं फकत अर्रमल्लाहु अलैहि नार औ कमा काल। जिसने ईमान की हालत के अंदर मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू वेख्या है या मेरे किसी सहाबी नू वेख्या है अल्लाह ने उहदे उत्ते भी जहन्नम की अग नू हराम कर दिता है। कितनी बड़ी इज्जत है कि फकत सहाबियत की सोहबत मिल जाए ईमान की हालत के नाल ते बंदे उत्ते जहन्नम की अग हराम हो जाती है। उस पाकीज़ा जमात दे विच कीड़ियां गल्ला हाल जड़ियां अल्लाह नूं इतनियां पसंद आईयां। अल्लाह अकबर इत्थे पंज नंबर अल्लाह ने बयान कीते मुख्तलिफ, मैं इख्तिसारन वर्ज करना चाहुंदा इस नीयत नाल कि अल्लाह मैनूं भी तुहानूं भी सारिआं नूं सहाबा अहले बैत दा सच्चा नौकर गुलाम बना दे। فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکروا सूरत का नाम सूरत उल अनफाल नाव पर आयत करीमा का नंबर दो ने। अल्लाह करीम फरमा दे मेरे नबी दे सहाबा दी शान अगर सुनी ने उन्हां दियां ए अदावा मैं अल्लाह करीम नूं बड़ियां पसंद आईयां ने। थोड़ी जिही तवज्जो नाल वगै मैं थोड़ी चाहुंदा तुसीं नेड़े नेड़े तशरीफ लैओ अगर तकलीफ ना करो ना रल के पास उदन शर्म बरकात हो। मैं अल्लाह करीम नूं उन्हां दियां ए अदावा बड़ियां पसंद आईयां। कीड़ियां अदावा जदों मैं अल्लाह करीम दी गल कीती जाए जदों मेरा जिक्र होवे मेरियां बड़ाइयां बयान होवन उस वक्त उन्हां दे सामने जदों मेरा जलाल बयान हुंदा है या मेरी अदालत दा मंजर बयान हुंदा है उस वक्त उन्हां दे दिलां दे उत्ते कब कभी तारी हो जांदी है यार किहड़ा ओह माशर दड़ियोणा ते बनना पत्नी दुनिया दे नाल ते ओह दिन भी बड़ा अजीब होना इने। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है वाला कद जितो मोना दा
सूरत अनाम सतवां पारा इने ते आयत करीमद नंबर 94 ने अल्लाह फरमांदा है कैनात वालियो तुसी मेरी अदालत दे अंदर उंजे आवड़े ने जिवें मां दे पेड़ चो बहर आया वे वो जूते कपड़े भी नहीं आने पैरों तले जुत्ती भी नहीं आनी सिर ते टोपी ते पगड़ी भी नहीं आनी हर बंदा अपने जिवें जिवें गुनाह कीती वधाउणा इहने पसीने दे अंदर शराबू रोवणा दुनिया कंबदी पई आउणी ते कुछ खुश नसीब इंजदे आउणे ने जिन्हां नूं अल्लाह करीम ने अरशे इलाही दे तले जगह देवणी है उन्हां विचों इक ओह नौजवान भी आउणा इहने जिसने अपनी जवानी पाकीज़ा गुजारी होनी है न किसी दी इज्जत ते अमल कीता है न शराब कबाब दे नेड़े गया है न उसने अपनी जिंदगी खिलाफ शरीयत गुजारी है बल्कि जवानी दे अंदर सर्दियां दियां रातां दे अंदर उठ के तनहाई विच अपने अल्लाह दे अगो गिड़ गिड़ांदा नजर आंदा तां रोंदा नजर आंदा ने ऐसे बंदयां नूं अल्लाह करीम ने माशर दे मैदान च परेशान नहीं होवण देना बल्कि अपनी रहमत नाल बुलवा के उन्हां नूं अरशे इलाही दा साया नसीब कर देवणा है। ओ ऐसा दिन है अफर तफरी होनी है और अल्लाह दे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मैं जदों हौज़े कौसर ते होना तो मेरे सज्जे बने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बने मैं इंज जाम भर भर के देसा अबू बकर मेरा अबू बकर उम्मत दे अंदर तकसीम करे सी वत एक दुनिया दा मंजर आई जिथे अल्लाह दे पाक पैगंबर नू प्यास लगी हुई आई ते हजरत सखी उस्मान पानी वाला प्याला लेके आया खूह खरीद के अल्लाह की रजा वास्ते वक्फ किया ते आदा या रसूल अल्लाह ए मैं पहला पहला पानी वाला प्याला भर के ले आया तो मेरी ख्वाहिश है कि पीवण वाले होंठ आमना दे लाल दे आवन तो पिलावण वाले हाथ मैं सखी उस्मान दे आवन। अल्लाह ने पाक पैगंबर फरमाया सखी आज तू अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है कल माशर दे मैदान दे अंदर अल्लाह ने जदों मैनू हौज़े कौसर दा वारिस बनावणा है ते उत्थे अबू बकर सिद्दीक नूं पाणी वाले प्याले भर भर के मैं देवड़े है ते मेरे अबू बकर ने उम्मत दे अंदर तकसीम करने लेकिन जदों तेरा नंबर आवणा है ते मैं आखणा उस्मान नहीं नहीं जरा दुनिया लाओ मंजर याद करे उत्थे हाथ तेरे आन तपीवण ले ओठ मैं आमना दे लाल दे आन ते माशर दे मैदान दे अंदर उस्मान ओठ ते उस्मान दे आवणे ते पिलावण वाले हाथ मैं आमना दे लाल दे आवणे ए जेड़े अल्लाह कोलो डरन वाले है उन्हां नूं अल्लाह वत इज्जत भी देंदा जेड़ी आखरत दियां तैयारियां करेंदे वत उत्थे अल्लाह दे सोहणे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी इक सिफत अल्लाह बयान करेंदा है जदों मेरी पेशी त मेरा जिक्र त मेरे जलाल दी गल आउंदी है उन्हां दे दिल कंबणा शुरू हो जांदे हैं। मोमिन है भी उह जिहदे विच आला दर्जे दा डर होवे ते अपने अल्लाह साईं होवे वह महफिल विच होवे या तनहाई दे विच होवे वह हर हाल विच अपने अल्लाह कोलो डरन वाला होवे। अल्लाह फरमांदा वा इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना जिमें जिमें मेरा सोना नबी कुरान सुनेंदा सहाबा दा ईमान वधदा जांदा किधर कुरान जिमें जिमें सुनते जाते हैं उन्हां दा ईमान वधदा जांदा है। इया अज इशाद तो ईद व सुन्नत दी दावत मेहनत है इया नौजवाना ने तो ईद सुन्नत दा पैगाम है जो जन्नत मिलनी है तो ईमान नाल ईमान बनना है तो कुरान नाल ईमान सवरना है तो कुरान नाल अल्लाह ने सारा खजाना अगर बनाया है हिदायत वाला तो वो कुरान वाला अल्लाह
ताला ने बढ़ाया इन्हें। जदों भी कोई मसला आया तो मेरे सोहने नबी ने जदों उसनू अपनी जबान चो बयान फरमाया है, अल्लाह दे सोहने नबी दे सहाबा दा ईमान वधदा गया है। मसलन मैं मिसाल देना चाहता, एक मसला चल पिया कि अल्लाह दे इलम दे अंदर कोई शरीक है कि कोई ना। यह मसला अलग है जो अल्लाह अपने नबी दे बारे फरमाता है, वह अल्लामा कमालम तकुल तालम वकान फजलुल्लाहि अलैका अजीमा। ऐ मेरा महबूबा, जितने भी मैं मखलूक नो इलम दिता है उन्हें सारे नालों आला दर्जे का इलम मैं अल्लाह ने तैनू दिता है। जिथे आम मखलूक का इलम मुकदा है उथे आमना दे लाल का इलम शुरू होता है, तो जिथे नबिया दे इमाम का इलम मुकदा है उथे अल्लाह का को इलम शुरू हो जाता है। मखलूक सारी रल के मेरे नबी दे इलम का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन जिथे अल्लाह दा इलम ने इलम माकान वमा यकून, जो कुछ हो गया जो कुछ हो रहा है जो कुछ होवन वाला इदियां तफसीलां जानन वाला है तो सिर्फ कौन है। जदो ये मसला चलिया तो अल्लाह फरमाता वा इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। जिमें जिमें मेरे नबी दे सहाबा ने सोने को कुरान सुनिया तो उन्हों का ईमान वधदा गया, उन्हों का ईमान होर बुलंदियां ते पहुँच गया। अल्लाह दे सोने नबी ने फिर जदो कुरान चो मसला वाज़े कीता, अपनी सोहनी जबान नाल ऐलान फरमाया, ओ कैनात वालियों जेड़ा अल्लाह का इलम ने उदे बारे सुन लिया है। अल्लाह का कुरान फरमाया कुल्ला يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله। سورت النمل ویواں پارے آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او ساری جاگ رہے ہو کہ نہیں، دراز تو نہیں بیٹھے، تھوڑے جے ذرا توجہ فرمایا ہے، گل لمبی نہ کرے سن لیکن وہ شیر شیر ماری رکھے۔ अल्लाह अकबर, जिथे सोने दा इलम है मखलूक सारी रल वंजे, तेरे मेरे नबी दे इलम दा मुकाबला नहीं। ए इलम विच भी आला, ए अमल विच भी आला, ए सीरत विच भी आला, ए किरदार विच भी आला, ए हर तरह अल्लाह ने इन्हां नूं कामिल मुकम्मल बनाया। लेकिन ओ हर नबी ऐलान करेंदा है, ओ कैनात वालियो मेरा इलम दा मुकाबला अगर कोई नहीं कर सकता तो मेरे अल्लाह दे इलम दा मुकाबला कौन कर सकता है। उदा ते हद बनना ही कोई नहीं, उदा हुदूद दा इख्तिताम ही कोई नहीं। इस वजह तो अल्लाह ने अपने नबी दी सोहनी जबान चो ऐलान करवाया, ऐलान फरमा दे मेरा महबूबा, ताकि तेरी जबान चो निकले तो मोहर भी लग वंजे, तो जेड़े तेरे सच्चे नौकर ने उस सीने नाल लैंदे वंजन, ते मैं अल्लाह उन्हां दे ईमान च होर बरकतां अता कर देवां। के फरमाया ला यालमो मन फिस समावात वल अर्ज़ल गैब इल्लल्लाह। ओ नौजवानो दीन समझिया करो तवज्जो नाल, इलम दा लफज भी है, गैब दा लफज भी है, ला नफी दा भी मौजूद है। अल्लाह दसना चाहता है मेरा महबूबा, अगर मैं अपने इलमे गैब खासा जो मेरा आई अगर उदे विच मैं कहनू शरीक बना बना होया ते मैं अपने सज्जन नू बना लेवा, अपने महबूब नू बना लेवा। लेकिन मैं उन्हां दी जबान चो ऐलान पे करवेंदा जो आख दे मेरा सोना पैगंबर, चाहे आसमान वाली मखलूक होवे चाहे जमीन वाली मखलूक होवे, कोई भी इल्मे गैब नू जानदा नहीं है। फिर जानन वाला कौन है? फरमाया इल्लल्लाह।
कैनात सर्रे सर्रे नू जानन वाला कौन, हर कैदियां हर वेले पुकारा सुनन वाला कौन। अच्छा अल्लाह साईया चलो ये जड़े जींदे वदन ए नहीं जान दे, कोई जड़ा विच तदफीन थी खलिए ओ तो विचो कहीं ना कहीं शह जानदा होना है। अल्लाह फरमाया वमा यशुरूना अय्याना युबासून। ए मेरा सोना महबूब जड़े दुनिया तो टुर गए बसूरत मौत, उन्होंने तो यह भी पता नहीं जो कबर चो कदों जिंदा करके उठाया जावड़ा है। जिसनू अपनी दोबारा जिंदगी मिलन का पता ना हो उसनू सारी कैनात का पता किवें लग सकता है। अल्लाह साईया ये मसला सुनाओ तो कुछ नाराज थींदे न। अल्लाह फरमाते हैं बेशक नाराज हो मैं तो तेरू अपने नबी दे सहाबा दी शान पे दसेंदा। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातो ज़ादतहुम ईमाना। जिमें जिमें मेरे सोहने नबी को कुरान सुनते वेंदे आन उन्होंने ईमान वधदा जांदा ई। अल्लाह दे सोहने नबी जी अल्लाह दे इल्मे कामिल ते होर भी कई दलील है। वत मेरा नबी दलैल दे अंबार च लैंदा आई ते वत कदी ज़बाने मुकद्दस चो ऐलान करेंदा आई। व इंदहु मफातिहुल गईब ला हवाले नोट कीता कर। जरूरी नहीं जो पांच सिपारे हर रोज तिलावत करें, जरूरी ए है जो एक रकू पढ़ उनको समझ के पढ़ तर्जमे नाल पढ़। तेरा बाल पढ़न वाला स्टूडेंट इंग्लिश समझ ना आवे ग्रामर दी समझ ना आवे तेरे पसीने छुट वेंदे ने यार इहदा मुस्तकबिल दबा पिया थींदा है। जिहड़ी सारियां किताबां तो वड्डी किताब आई सुबह शाम इहदे नाल उम्मत ना इंसाफी करें दी है। छड़ा चुम के अख ला अख दे उते ला लिया सीने ना ला लिया। ए बरकत वाला भी है कुरान, ए शान वाला भी है कुरान, ए इज्जत वाला भी है कुरान, ए बुलंदियां वाला भी है कुरान। लेकिन इस वजह तो ना आया जो छड़ा डोर बीमार होवे ते उत्तों तलो टपा ते अखों जो सेहत मिलवे सी। दुकान दा इफ्तिताह करना ही उस्ताद जी जरा अव्या जरा खत्म शरीफ पढ़ दे व्याए जो बरकत आवे। अल्लाह फरमाता है इहदे असल खलण दा मकसद भी मेरे को पुछ लव्या। तेरा अगर अरब कंट्री विच कोई भिरा रहा होवे वडेरा रहा होवे अरबी विच तेनू खत लिखदा है तू उदों तक समझदा नहीं जदों तक तर्जमा सुन न लवें जो सुखी वधाए या दुखी वधाए। ए एडा सोहना मैं खत भेजा है त्री सिपारियां ते मुश्तमिल है, 114 सूरतें 6000 तो ज्यादा आयात बयनात। माशर दे दे अंदर ए नहीं आ चलना जो मैं पढ़े होया कोई नास। अल्लाह साईं पुछन दुकान तो चला लैंदा है कारोबार तो कर लैंदा है, मज गां दा तां पता लगदा या फला शह दा तां पता लगदा या अखा उन्नी बीबी उन्निया तो कपड़े टटोल के वेख लैंदा वे जो चंगा सूट है या मंदा सूट है। वह जदों कुरान दा नंबर आवया तो क्यों हलवे तो नहीं खादे नहीं जो चर्बियां तेरे दिल दिमाग ते चढ़ गई। तेनू कहानियां तो पसंद आदियां पर मेरा कुरान तेनू पसंद क्यों ना आंदा। अगर तेनू सच्ची मुहब्बत होवेआ नबी दे सहाबा दे नाल, तेनू सच्चा प्यार होवेआ नबी दी जमात दे नाल, तेरी सच्ची अकीदत होवेआ नबी दी जमीयत दे नाल, तेरा सच्चा प्यार होवेआ नबी दी इशाअत तौहीद दे नाल, तेरी सच्ची मुहब्बत होवेआ नबी दी सुन्नत दे नाल। तू आख्या यार सारियां गल्लां बाद दे अंदर हैं, पहले अव्वल नंबर ते चल सी ते अल्लाह दा कुरान चल सी जो कि यह अकीदे वाली किताब है। अगर कोई अदालत मुकदमा आता पे मिसाल देना चाहता तेरा वकील इथाउं दा पढ़े होया है या तू बहरों मंगवाया है अमेरिका चो पाकिस्तानी जजा दा यार ठीक है ये वकील तो है लेकिन साढ़े आईन के तहत बहस नहीं करना जानता ये होर LLB की वधाए। अल्लाह की अदालत के अंदर न देवबंदी चलनी आई न बरेलवी चलनी आई न शीयत चलनी आई ना मिर्ज़ाइयत चलनी है ना उत्थे पुछया वंजना जो तू चिश्ती है या कादरी है सोहर व
वर्दीए या बगैर वर्दीए। उत्थे इया पुछया वंजना यार तेरा अकीदा कुरान वाला आई के कोई ना, तेरे अमल सोने दी सुन्नत वाले आन के कोई ना, तेरा सहाबा वाला अकीदा आई के कोई ना, तेरे सहाबा वाले अमल आन के कोई ना, तेरा मिजाज वखरा आई या नबी दे सहाबा दे मिजाज दे नाल तेरा मिजाज रलदा मिलदा आई, ये आसानी नाल चेक हो सकता है। अल्लाह फरमाए दिन वईजा तुलियतालेहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। अगर ते बंदे नु कुरान सुन के हाँ ठरे ते ओ आखे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ईमान वाली दौलत आई, ओ वधीए हरारत आई है तां मैनू चस आई है। ते जिस बंदे नु कुरान दियां गल्लां सुन के दिल परेशान होवे, मियां जिवें बंदे दी तबीयत खराब होवे ते उसनु मिठियां छियां भी कौड़ियां लगदियां। अल्लाह फरमांदा नबी दे सहाबा तीर छल के भी कुरान सुनदे रहे ते सीने नाल लैंदे रहे। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने जदों वजाहत फरमाई है कि मेरे इलम दा मुकाबला अगर कोई मखलूक च नहीं कर सकदा तो मेरे अल्लाह दे इलमे कामिल मुहीत दा मुकाबला कौन कर सकदा है। ये उसे दा उनवान है कि वह इंदू मफात उल गैब ला हमला करना ते दूर दी गल, उदे विचो काई शै खो के मल वजना ते दूर दी गल। कनात वाले जेड़े अल्लाह की कुदरत ते रहमत लगे हुए ताले ने, उदिया चाबियां दा इलम भी अल्लाह तो इलावा किसी और दे कोल कोई ने। अल्लाह दा इलम ओहे ने जो रात अंधेरी होवे उते काले रंग दा पत्थर होवे ते उदे उते काले रंग दी चूंटी चलदी वदी होवे। मेरा अल्लाह ओहे ने जेड़ा उस काली रात दे अंदर काले रंग दे पत्थर दे उते चलण वाली चूंटी दे कदमां दी आड़ नूं वी जाणन वाला। अल्लाह फरमाते हैं इया मिजाज आई मेरे नबी दे सहाबा दा, जिवें जिवें कुरान सुनदे वंजना उहनां दा ईमान बोलो वधदा जांदा ई। चूंकि ये कुरान है बड़ी इज्जत वाली किताब, जदों ये मसला चल पिया जो यार जिहड़े सच्चे नबी आउंदे ने ये विचों नूर आउंदे ने या विचों भी बशर आउंदे ने, अल्लाह दा कुरान आया फैसला करन वास्ते। अल्लाह फरमाइंदा जो मैं हिदायत वाली किताब जो नाजिल फरमाई, आ मेरा सोहना पैगंबर तू अपनी सोहनी जबान नाल ऐलान च कर ताकि पता लग वंजे मेरा पाक पैगंबर दी सोनी जबान चो मसला निकले। फरमाया कुल सुबहाना रब्बी हल कुंतु इल्ला बशर रसूला। ए सूरत बनी इसराइल 15वां पारा ते आयत नंबर 93 ने। मियां मुहम्मद साहब कमाल हो गई, अल्लाह फरमाता मेरा नबी बशरीयत दा भी इमाम ते रिसालत दा भी इमाम। अल्लाह इंज गल समझ नहीं आवनी, थोड़ी जी मैनू तभी दसरा लैना पौना। एक तो ठंड भी है तो दूजा तुम डिले डिल बैठे हो, उस आख्या एक आई कहानी उत्तों पै गया पानी। मिल के एक बार आखो सवार ला, एक बार मुहब्बत ना आखो सवार ला, जेडे खाधी पीती वधी और वह मिल के आखो सवार ला। आओ जी मैं एक मिसाल दे जरिए अरद करा ताकि समझने च आसानी होवे। ज़हन रखी अल्लाह तेरा मेरा भी सहाब वाला मिसाज च बनावे। वो जिवें जिवें कुरान सुनते वेंदे आन मियां ने आद उन्हां दा ईमान वधदा जांदा आई। आओ जरा एक पैगंबर की गल सुनदे आए, वह बड़ा सोहना है ते उहदे हुस्न दे चर्चे आसमाना ते भी आउंदे रह गए। हज़रत यूसुफ सिद्दीकुल्ला जदों उन्हां दीआं गल्लां मिस्र दे अंदर अल्लाह अल्लाह पईआं ते पूरी फैलण ते आ
आ गईयां। अजीज़े मिस्र दी बीवी ने मिस्र दियां दीगर गुजरा दियां बीवियां दी दावत च कीती, वद दस्तरखान चलवाया, अगो फल च रखवाए, वद अगो छुरियां ते कांटे च पकड़ाए। सामने अल्लाह दा पाक पैगंबर हजरत यूसुफ सिद्दीक उल्ला मौजूद आई, आके हजरत जी जरा पैर तशरीफ लै आवे आए। अल्लाह दा पाक पैगंबर शर्मो हयावां वाला जदो पैर तशरीफ लै आया इन्हें अल्लाह दा कुरान फरमाए, फलम्मा रअयनहु अकबर नहु وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا الا ملك الكريم। इस सूरत दा नाम सूरत यूसुफ ने, बारवां पारा ने ते आयत नंबर 31 ने। जिन्होंने हजरत यूसुफ सिद्दीक उल्ला नूं वेख्या उन्हें अपनियां उंगलियां कट दित्तियां, पता ही ना लगा जो फरूट पईआं कटेंदियां है या उंगलियां पईआं कटेंदियां है, ते बोल पईआं अशलिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इल्ला मलकुल करीम। सानू अल्लाह दी कसम बशर नहीं हो सकता है, तो कोई नूरानी फरिश्ता ने रहबानी आदा है। अगर यूसुफ पैगंबर अंदरों नूरानी हो वना अगो अंदरों नूर होना जिमे जिब्राइल अमीन मिकाइल इसराफील इजराइल इन्हों के अंदर कुवत शाबानिया नहीं आती। उन्होंने मियाँ बीवी के लवास मादा पता ही कोई नहीं आता, कौन है जिहड़ा दस सकदा है। जिब्राइल अमीन दी अम्मी दा आना ते उन्हां दी वाइफ इतनी आई ते इतनियां शादियां ते इतने बच्चे आन, इतने दामाद आन, इतने ससुराल आन, ए नाने आलान, ए दादे आलान, ए नसब आई ते ए असब आई। नहीं नहीं कई शह भी कोई नहीं, इंसाफ मुड़ा भी कीता कर। जिहदे अंदर कुवत शबानियां ना होवे ओ अगर किसी गैर महरम दे अखां चा ते न वेखे ए कोई कमाल नहीं। कमाल ता है जो कई जवाना दी ताकत सच्चे नबी विच होंदी है, ते वत नजरां चाते गैर मारम दिर न वेखणा। ए यूसुफ सिद्दीक उल्ला दा कमाल है। नबी अदरों बारो बशरीयत दा इमाम होंदा, उस वक्त दे लोगां दा इमाम होंदा है। ता जिहड़ा तेरा मेरा नबी है, इसनू ते अल्लाह ने हर नबी दा भी इमाम बनाया, रसूलां दा भी इमाम बनाया, इसनू आला ते अरफा बनाया, इसनू कामिल मुकम्मल बनाया। वत इतनी गल जरूर करना चाहता, जिन्ना यूसुफ पैगंबर नू वेख्या उन्ना अपनियां उंगलियां कटियां, जिन्ना कमली वाले दा चेहरा वेख्या उन्ना अपनियां जाना कुर्बान कर दितियां। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने जो अपनी ज़बान तो सुनाया अल कुल तो इल्ला बशर रसूल, बशर दा लफ्ज़ भी है ते रसूल दा लफ्ज़ भी है, ते आमना दिलाल फरमाए दिन मैं और कुछ भी नहीं, मैं बशर भी आला ते रसूल भी आला। हुण कोई नाराज होवे अल्लाह दा मैनू उहदी नाराजगी दी लोड़ नहीं, मैं ते तैनू नबी दे सहाबा दा तारो पिया करेंदा। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। और जिमें जिमें कुरान सुनते वेंदे आन उन्हां दा ईमान वधदा जांदा। आ खुद थोड़े जे होर चलावांगे थोड़ा बचा, कितना ईमान उन्हां दा वधदा गया। जिहड़ा कोई सवाल आया मेरा नबी जवाब देंदा गया, उन्हां दा ईमान होर वधदा गया। मसला चल पिया जो होर जिहड़ी मखलूक वाले इन्हां दा वी इख्तियार अल्लाह दे खजाने ते चलदा रह वेंदा। ते आमना दा लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल वी चाबियां हन, जिसनू चावन बेटे च देवन, जिसनू चावन बेटियां च देवन। ये जो मसला आया तो अल्लाह दे पाक पैगंबर दे सहाबा उदास ते परेशान होए। अल्लाह फरमाया मेरा पैगंबर नारा मार ताकि मोमना दा अकीदा बन वंजे, कुल्ला
تملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله। ए सूरत उल आराफ नव पारा ने ते आयत करीमा दा नंबर 188 ने। ए मेरा सोहना महबूबा ऐलान फरमा दे, मैं ते अपनी जान दे भी नफे नुकसान दा मालिक नहीं हुंदा, उवै ने जिहड़ा कौन चाहुंदा रह जांदा। अल्लाह साईं अगर इस गल ते कोई परेशान हो वंजे, अल्लाह फरमांदा मैनू दी परेशानी नाल कोई गर्ज़ो गायत नहीं, मैं ते तैनू अपने नबी दे साहबा तारो पिया करेंदा। वो जिमें जिमें मेरे नबी को कुरान सुन दे वेंदे आण, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कोई होर मनया न मनया वन जो सोना फरमाइंदा खला वो हक ते सच फरमाइंदा खला। अगला मसला एक होर चल पिया, जो जेड़े मर वंजन वह भी विचों काई ना काई शह वेदे रह वेदे। अल्लाह अकबर, ये हो ही नहीं सकता जो काजीरी होवे तो मसला बयान ना होवे। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। ए विचो जनाब विचो काई शह तवे ते रह जांदे ने, कोई चिड़ी छिड़ी विचो वेख लैंदे ने, या चादरां बन के ना गए करो, या जो भी आखण वाले बदतमीजी करन। मसला चल पिया विचो काई ना काई शह तवे ते। अल्लाह दे सोहणे नबी दे साहबा जदों पुछया, अल्लाह दे नबी जी जिहड़े टुर वञन दुनिया तो बसूरत मौत, आखिर वह भी विचो काई शह वेखदे ने कि नहीं? कुरान आ गया, वह मेरा पाक पैगंबर तू मसला हल न करें तो तेनों तो मैं खत्मे नबूवत का सेहरा पवा के गलिया, तेरे बाद कोई नवा नबी ते आना कोई नहीं। जे तू न सुने सहे तो पिछले काम तो उंजे डों नो वजना। अल्लाह दे सोहने नबी ने फिर अपनी सोहनी जबान नाल मसला वेखो किवें सुनाया, तो सुनाया कुरान दे विचों। अल्लाह दे नबी दी जबान ते आया, मा यस्तविल अमा वल बसीर वल जुलमात वल नूर वला जिल्लु वला अरूर। वाला तेरे समझावन तू कुर्बान जाव। अल्लाह फरमाइंदे वेखण आला ते अन्ना बराबर नहीं। अल्लाह ये कई दसण दिया, ये तो सारे ने पता। अल्लाह दिन त्रै गल्लां इहदियां करनियां जिहड़ी तू भी जानदा ते मैं आधा ही खला। चौथी गल तेरी अजमायश आवणी, वेखण वाला ते नबीना बराबर नहीं, दिन ते रात बराबर नहीं, साया ते धुप बराबर नहीं। ये त्रै शईआं जे वेखदे ही रहिंदे हो ते अल्लाह दा कुरान भी इंजे फरमाइंदा। अगे अल्लाह फरमाइंदा मा यस्तविल अहया उवलल अमवाद, जिमें वेखण आला ते अन्ना बराबर नहीं, जिमें देह ते रात बराबर नहीं, जिमें धुप ते साया बराबर नहीं, इंजे जींदा ते मुर्दा बराबर कोई नहीं। उल्टा गेड़ा मण दिता कि नहीं नहीं, आखे जींदा लखदा ही ते मोया सवा लखदा हो गया। अल्लाह ने मसला होर आसान च कीता, मेरा पैगंबर तू अपनी सोहनी जबान नाल बयान च कर। के फरमाया, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, जिहड़ी मेरी कुदरत मैं चाहवां ते पत्थरां नूं बुलवा देवां, मैं चाहवां ते कंकरां नूं बुलवा देवां, मैं चाहवां ते खजूर दे खुशक तने नूं बुलवा देवां। कानून खुदावंदी के फरमाया, मा अंता बेमुस्मिउन मल फिल कुबूर। ओ मेरा सोहना पैगंबर, ओ खत्मे नबूवत दा सेहरा पा के आवण वाला पैगंबर, ओ साहिबे कुरान पैगंबर, ओ साहिबे मेराज पैगंबर, ओ शरीफा जो अशरफ पैगंबर, ओ कामिल मुकम्मल पैगंबर, ओ साकीए कौसर पैगंबर, ओ शर्मो याद दूल्हा पैगंबर, ओ पैगंबर इनकलाब पैगंबर, ओ सोहनी जबीन वाला पैगंबर, ओ सोहनी सूरत वाला पैगंबर, ओ सोहनी सीरत वाला पैगंबर। कानून मेरा इया मा अंता बेमुस्मिउन मल फिल कुबूर।
अगर सोना तू भी किसी नबी गुजश्ता दी कबर ते जा के तू भी सद चमारे तो वो तेरिया भी सुन दे कोई नहीं। अल्लाह ये बंदे ढेर सारे नाराज हो गए। अल्लाह फरमाते मैनू इन्हां दी नाराजगी नाल नहीं गल, तू मेरे को पुछया ही भाई साहब दे औसाफ के, मैं तो उन्हां दी शान तेनू दसेंदा पिया। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना, जिवें जिवें मेरा नबी कुरान सुनेंदा वेंदा आई कोई और मन्या या न मन्या, साहबा दे या रसूल अल्लाह जनाब जो ही फरमेंदे खले सच ते हक फरमेंदे खलोते न सवार। अल्लाह अल्लाह उपर एक बतौरे नमूना मैं अर्ज़ कीता है। अल्लाह फरमेंदे हैं एडी पाकीज़ा जमात ने मेरा पैगंबर जिवें जिवें सुनेंदा वेंदा है उन्हां दा ईमान अगे नालों वधदा जांदा है। तो एक गल सुन लिया, ये जड़ियाँ रूहां निकल जांदियां ने ये जुमरात नूं वापसी आ जा करना हलवे शलवे खावन वास्ते या वेखण वास्ते, जो केश है पकाई ना मुल भी शोरन दिती ना कि कोई ना या कले खा पी गए ये रूहां मुंडेरिया ते आ जांदियां इन्हें जाने वत वेदियां रह वेदियां तो विचों विचों कहीं ना कहीं शैवल पकाई करो तो कले ना खादी करो। अल्लाह अकबर वाला तेरा कुरान आया वाला साहबा दा कामिल ईमान तू बनाया वाह सैयद अनायतुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह वाह ओ शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्ला खान रहमतुल्लाह ताला अलैह वाह ओ सुल्तानुल मुनाजरीन अल्लामा मोहम्मद यूनुस नोमानी रहमतुल्लाह अलैह वाह ओ इमामुल मुवहिदीन मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह पूरे इशाद तौहीद व सुन्नत अकाबरीन ते अल्लाह दियां करोड़ा रहमत होवन वाह ओ काजी मोहम्मद अमीर रहमतुल्लाह ताला अलैह दीगर जितने भी अकाबिर साढ़े गुजरे सारे चमक दे सितारे चाहे शेख उ तफसीर मौलाना मुहम्मद अमीर साहब बदे चाहे मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह होवे चाहे मुहम्मद हुसैन शाह साहब नेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह होवे चाहे ओ काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह होवे चाहे और कोई बब्बर शेर होवे सारे ही चमकते सितारे आन ते इन्हां ने अपने अपने दौर दे अंदर अल्लाह दा कुरान सुनाया वत कुरान साहबा सुनया तो उन्हां दा ईमान चमकदा नजर आया। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी लोकी इंजे मशहूर कीती वजन जो रूहां हट ते आवेंदियां तां वेदियां शेदियां रह वेंदियां। अल्लाह दे नबी ने कुरान चो मसला समझाया अल्लाह यतवफल अनफुसाइन मौतहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुम्सिकुल्लती कज़ा अलैहिल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। ए सूरत सुमरिया चौबीसवां पारा या अल्लाह फरमाइंदा दो तरह दियां रूहां मैं कब्ज करेंदा हुंदा एक कोई सम वंजे उदी रूह छिकेंदा लेकिन युरसिल पिछा टाई देंदा तअल्लुक रांदा ओ हिजाई अजम हुंदी रांदी ख्वाब ख्याल आंदेन। ए अकीदे दियां गल्लां ने फरूही गल्लां वास्ते कुरान नहीं आया, कुरान अकीदे दी किताब ने ते जिहड़ियां गल्लां कुरान च ने इहदे बारे माशर नूं पुछिया वी जावणा ने। अल्लाह साईआं जिहदे उत्ते मौत आ गई उदी रूह भी हटदी कि कोई ना। अल्लाह फरमाते हैं फयुम से कुल्लती कदा अलैहिल मौत जिसते मैं मौत दा फैसला कर लेवा उदी रूह नु मैं रोक के रखदा हुंदा जिवें युम से कुस्समा अंतकाल अर्द जिवें मैं आसमाना नु रोक के रखे होया ओ कियामत तो पहले जमीन दिर नहीं आ सकदा। जिस दिन आसमान ते जमीन मिलना ओ दिन माशर दा होना, जिस दिन रूहां ते जिस्मा मिलना ओ दिन भी माशर दा होना। अल्लाह साईया कदों रूहां हट के आवना ओदरे वध्या है कदी मिलाव्या साडे असलाफ केडे चमक दे सितारियां साहबा केडे ईमान दे मीनारियां कदी अबू बकर सिद्दीक नू च मिलाव्या इत्थे मियां अली वेजिया जंग च मिलाव्या ओ बिलाले हबशी च वेखाव्या फारूक आजम च वेखाव्या
ਵਿਖਾਵਿਆ, ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਚ ਵਿਖਾਵਿਆ, ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਚ ਵਿਖਾਵਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਚ ਵਿਖਾਵਿਆ, ਡਾਢੇ ਉਧਰੇ ਵਧਿਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਸੁਮ ਇਨਕੁਮ ਬਾਦ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਲਮਈਤੂਨ ثم انكم يوم القيامه تبعثون। दुनियावी जिंदगी गुजारन तो बाद हर कोई बेली मैयत बनवेदा, दुनिया छोड़ देंदा, वत माशर दे मैदान कियामत वाले दिन मैं जिंदा करके मुलाकात तेरी करा दे सा। उस तो पहले मुलाकात इत्थे नहीं हो सकदी। अल्लाह साया कोई नाराज हो वजे, अल्लाह फरमाता मैनू उनांदी नहीं, मैं तो तैनू नबी दे साहबा दी गल पे सुणांदा। ओ एडी पाकीज़ा जमात आया, भावे सारी दुनिया भी मुकाबले विच आई खलोती होया, ओ उदो कंड कर लैंदे आं, ना मेरे महबूब नू छुड़ेंदे आं ते ना मेरी सच्ची किताब नू छुड़ेंदे आं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, केड़ा अजीम कुरान है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तुसी थकते नहीं गए, बस चंद एक मिनट और लाना चाहता। अल्लाह मियाँ साहब के मजीद मालो जार बरकत अता फरमाए। भाई हसनैन की शादी हुई, जितने कुआर हैं अल्लाह सारे का अच्छा इंतजाम फरमा दे। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे नबी दे सहाबा दियां निशानियां ने, ओ मेरे कोल डरदे वी रहंदे आन, जिवें जिवें कुरान सुणदे आन उहनां दा ईमान ताज़ा ही हुंदा रहंदा। मीं उरी आखिया मैनूं ओ करबला लिया कर ते छोड़ा वी पीरां नाल, असीं उंज वी बड़ी मुहब्बत सानूं सच्चिया पीरां नाल सुभान अल्लाह। अगरचे कई मौलविया दे करबला जिहड़े गैर बचा एक ही नहीं, अल्लाह अकबर, लेकिन आले रसूल दे सच्चे नौकर है जी। अल्लाह तमाम मकाबर ते रहमत दा नज़ूल फरमाए। पीरो मुर्शिद सैयद रहमतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर जितने साडे असलाफ हैं, अल्लाह सब ते बहुत सारी रहमत नाज़िल फरमाए। मैं तमाम दीनी जमातों के नाल मुहब्बत रखता, मैं नफरत का मिजाज नहीं। जो जिथे काम कर रहा दीन की नस्बत नाल वो अजीम है। अल्लाह इस दीन वाला काम हर बंदे को नहीं लेंदे। कोई वुज़ू अगर सिखा रहा वो भी अच्छा अमल कर रहा है, कोई सुन्नत के मुताबिक मिसवाक सिखा रहा उसमें भी उसका सवाब मिल से अगर नीयत सोहनी है, अगर वो लिबास तरीकाकार समझा रहा है शरी तरीकाकार है सुभान अल्लाह वो भी अच्छा अमल है। लेकिन साड़ी जी जमात है ये अकीदे से मेहनत कर रही है। जो मस्जिद बनी आई ना, एक बंदा आके पक्खा मैं देसा, पहले दिन अगर आके आके पक्खा देसा, सियाने बंद क्या खोड़ा भाई हूँ इटा की लड़ है, ठंडे काम शुरू पे करें तू पखा लै क्या बढ़िया, आज ठंडे एरे की लड़ है, बुनियाद की लड़ है, इतों मियाँ जी पखा बाद जो तो बढ़ गई इंशाला मुड़े ए सी चलावाया है, अज कोई सीमेंट लाओ, कोई बाशो इटा लाओ, कोई सरिया लाओ, ठंडो काम शुरू करना ना, पहले छात्र ही ना बनती। इशाद तो ईद वसुना यह बुनियाद तो मेहनत इस तू कर दी है, जो बुनियाद चंकी ना होंगी तो थोड़ी उत्तर डबल सटोरी ना बढ़ती, ये हवा आया तो हर शतले गड़म पाई लगनी आई। इशाद तो ईद वसुना तेरी खैर खा जमात है, ये फकत मजहबी इसलाही जमात है, खुदा की कसम है सारे इन फकीर ही बेच, लेकिन बड़ी इसलाही जमात है। इस नीयत के उत्ते भाई यार इन्हों बुनियाद सोहनिया बन बन, ये सर सजदे विच रख के अल्लाह नाल गल करन ना, अल्लाह ये ना आखे यारियाँ होर नाल ते सुभान रब्बी अला मेरे वास्ते, ये जदों इत्थे गुण गुणा ना जमीन के उत्ते सर रख के, अल्लाह साइया साडा दिल भी तेरा, साडी जबान भी तेरी, साडा जिसम भी तेरा, साडी जान ही तेरी, तां कि इन्हां दियां इदो निकली हुई जबान चो जुमले इत्थे रुलन नहीं, बल्कि अल्लाह आसमानत उत्ते बुलंदियां अता करके ये मंगदे जान ते अल्लाह उन्हां दियां झोलियां रहमत नाल आबाद करता जाए। सुभान अल्लाह। मैं दुआ करांदा इंशाल्लाह, तुसीं थकते नहीं गए, मैं थोड़ा जिहा अगली दो निशानियां सुना के दुआ कराना चाहता, इजाजत है एक बार मिल के को। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी दे सहाबा नाल मैं तुहियों प्यार करेंदा, जो वह दिलों मेरे नाल प्यार करेंदे तो जिहड़ा अल्लाह दे डर तो आंसू निकलदे ने उहदे उत्ते जहन्नम दी अग हराम हो जांदी ने। जिहड़ा कुरान नूं समझ के पढ़दा वत अमल दा जज्बा रखदा अल्लाह उहदे ईमान च बरकत पा देंदे ने। तीसरी निशानी सहाबा दी अल्लाह दसी, अल्लज़ीन युकीमूना सलाह, उह नमाज़ां दा बड़ा खास ए तमाम करेंदे रह वेंदे आन। इंज नहीं वह गर्मी तो शौक नाल पढ़िया तो सर्दी में आख्या उस्ताद जी मुड़ आपे पढ़ी आवै सवाब तो वध कर ले सां, नहीं नहीं उन्हां दी हालत ए आई दुनिया सुती पई होवै ता ता जाफा जनूबुहुम अनिल मसाज यदउन रब्बहुम, और रात नू सुतिया पिया करवटां बदलदिया भी मैनू याद करेंदे आन, वत बिस्तर छोड़ के मेरे अगों खलो वेंदे आन, कदी क्याम च रोंदे आन, कद
ਦੀ ਰਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦੇ ਆਣ ਤਰਾਹੁਮ ਰੁਕਾਨ ਸੁਜਦਈ ਅਬਤਗੂਨ ਫਜ਼ਲਮ ਮਿਨੱਲਾਹ ਵਰਜ਼ਵਾਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਆਖਰੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਲਾਇਕਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਵਤ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਐਸਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਵੈਦ ਕਿਹੜਾ ਮੁਵੈਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੁਖਾਲਤਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਮ ਸ਼ੀਨ ਰਾ ਕਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਉੱਠ ਤਹੱਜੁਦ ਪੜ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿੰਗਰਾਂ 'ਤੇ ਆਟਾ ਵੇਟਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਲੋਰੀ ਮਿਲ ਵੰਜੇ ਉਸਨੂੰ ਆਦਾ ਛੋੜ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋਮਨੋ ਅਸਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੰਜ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾ ਕਰ ਦੇਵਣਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਵਫਾਤ ਸ਼ਰੀਫਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪੈਣ ਬੀਬੀ ਐਸ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਈ ਮੈਂ ਵੰਜ ਕੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤਬੀਅਤ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਖਲਾਰਿਆ ਮੋਹਤਰਮ ਸ਼ਾਮੀਨ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਦੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਸੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਆਏ ਵਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਖੁਜ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂ ਇਨਾ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੀਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਕਰ ਦੀਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾਹ ਵਧਾ ਦੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਵਾਲ ਪਟੀਵੇ ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਬੀਆਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਬੱਚਿਆ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਵਤ ਕਤਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਚਾਈ ਖਲੋਤਲ ਇਹ ਕਤਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈ ਬਣੇ ਦਿਲ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਵਤ ਨਿਸਬਤ ਉਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂ ਵਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਖੈਮੇ ਚੋਂ ਬਹਿਰ ਨਾਈਆ ਨਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਸੈਡ ਤੇ ਨਾਈਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਤਸਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਰ ਸਾਂਗ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜਦ ਚੜਿਆ ਜਦ ਵੀਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਗੁਖਾਸ ਪੈਗਾਮ ਸਿਰ ਸਾਂਗ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜਦ ਚੜਿਆ ਜਦ ਵੀਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਗੁਖਾਸ ਪੈਗਾਮ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੜੀ ਜਾਈ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਥ ਵੀਰਾਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਅਮੜੀ ਜਾਈ
अज हो गया साथ वीरान जे याद अभी इस वीरन दी रखी याद नमाज कुरान जे सबर करे से ता फल पैसे नाने दा फरमान अल्लाह फरमाता है उन्हें सारे कामलीन दी निशानी आई कि नमाज़ा नू छोड़े दे कोई नान अज दी इस तरस दी निस्बत नाल सारे अजम करो इंशाल्लाह नमाज दी पाबंदी करे सों घर दे अंदर भी नमाज दा माहौल बने सों वो घर घर नहीं जिथे रवन वालियां मावां भेड़ा नमाज ना पढ़न खुदा दी कसम या कोठियां अल्लाह तेरी सोच तो ज्यादा सोहणियां च देवे लेकिन उहदे विच बरकत उदों आवणी है जदों परदे विच रवन वाली मां ते भैण ते बेटी नमाज ही पढ़े तो कुरान ही पढ़े अल्लाह फरमाता उन्हां दी एक निशानी ये भी है व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून मेरे नबी दे सहाबा वध चढ़ के मेरे रात खर्च करेंदे रहे वेंदे आन दोबारा खुलासा अर्ज करना चाहता तो मैं दुआ करा पहला नंबर आई इज़ा ज़िक्रुल्लाह वजिलत कुलूबुहुम जदो अल्लाह अकेले दी गल होवे उदा जलाल बयान होवे माशर दंडे बारे होवे उन्हां दे दिल कब कपी आ जांदी आई ते उन्हां दी अखर रोवण दे उत्ते आ जांदियां दूआ नंबर आई वैसा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादत ईमाना जिवें जिवें कुरान सुनदे वेंदे आन उन्हां दा ईमान वधदा जांदा आई त्रीआ नंबर आई वाला रब्बिहिम यतवक्कलून वो अपने रब ते मुकम्मल भरोसे रखदे आन उन्हां दी ईमान ते भरोसे होर किदा ही ना आउंदे हज़रत खालिद इब्ने वलीद दी महफिल ईरानी सफीरा दा खालिदा अगर मुज़ाकरात हल नहीं आउंदे ते मैं ज़हर दी शीशी लई वदा पी लवणी इथाई मैं मर वजना ते हुण वापसी मैं नहीं जावना खालिद इब्ने वलीद ने जहर अली शीशी लैके ढक्कन खोलिया आखे बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मी शैउन फिल अर्दी वला फिस्समा वहुवस समीउल अलीम इंजे जहर अली शीशी वेंदी कीती हल्का जिहा पसीना आया ईरानी घबरा गया उस कह यार अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नौकरां दे ईमान दा ए मियार है तो सरकार दे ईमान दे क्या कहने आदा जल्दी कर खालिदा मैनू अमना दे लाल दा कलमा पढ़ा दे अज कलमा भी असे भी पढ़ू जे मोटरसाइकिल को बिल्ला टप वजे तो खींदा यार अज दिन मनहूस है ये नहीं बो साडे नाल भी काला ही अपने काम च अल्लाह फरमाता सहाबा दा ईमान आई वाला रब्बिहिम यतवक्कलून को भरोसे करें दे आन तक कहंदे उते अल्लाह अज्जा इलाना गल्ला तुआडियां नहीं जंग दियां सुणे दा बैठा जो बच्चा जम्मे ते बैर शरीर दे पत्तर क्यों जी अंदर जिण ना वड़िया वन जो छोर दी शादी दा नंबर आया ते हाथे छोरा फदा दिता आखे जी कच्चा गोश ते मसला ना बन वंजे अल्लाह अकबर ये कितनी बड़ी जहालत ओ मेरा वीरा जो कलमा पढ़िया ते कलमे दा मतलब ही यही आई कि साढ़े नफे नुकसान दा अकेला मालिक कौन है अल्लाह फरमाता सहाबा नाल यारियां लावणियां नहीं बात उन्हां दियां सिफतां भी अपनावण दी कोशिश कर वाला रब्बिहिम यतवक्कलून भरोसा जद भी कीता कर तो सिर्फ किहड़ी ज़ात ते कीता कर अगे चौथी निशानी नमाज दियां पाबंदियां करेंदे आं जिहड़ा मैं उन्हां नूं दित्तो आई मेरे राह ते खर्च करेंदे रह जांदे आं सुभान तफसील का टाइम तो नहीं मैं इस आखिरी जुजी उत्ते दो मिनट लाना चाहता इजाजत नाराज़ नहीं बैठ एक बार मिल के सुभान अल्लाह यार कमाल दे लोग आ जो मेरे नबी ने उन्होंने को चंदा मंगया जो गज़वे तबूक वास्ते जरूरत है खजूर पकी हुई जिमें गंदम तैयार हो तो जिम्मेदार आता शाला इन्होंने दिनों में प्यो ही न मरे जो जनाजे का बड़ा मसला बनना टाइम जाया थी सही तो किमें विसा तो के कर सा खजूर तैयार इदो मेरे नबी ने ऐलान किया सहाबा थोड़ी जुतियां की खाक रहमानी की अख तो सुरमा बन वे कुरबान जावा सारा कुछ कुरबान कर
कर दिता है, ना कुरान छोड़िया, ना आमना दे लाल नू छोड़िया। आखे अल्लाह दे पाक पैगंबर जी जो आदरे लाया साए हजरत उमर दे हर मैदान दे अंदर अबू बकर पहला नंबर ले जाते हैं। मैनू उन्हां दे घरेलू हालात दा पता ही, मैं दिल सोचेंदा प्यास मौलाना अशरफ अली साहब दिन जो मैं आखिया अज तो मेरा पहला नंबर है, अज सिद्दीक दा माल थोड़ा उड़ा है ते मैं उमर माल ढिग ले आवणा, इंशाअल्लाह अज मेरा पहला नंबर आसी। लेकिन साहबा आंदे रहे अपनी अपनी शौक दे नाल। हजरत उस्मान आखिया या रसूल अल्लाह 100 उठ देवांगा, बमा साजो समान देवांगा। अल्लाह दे नबी फरमाया शाबा होर भी लोड़ है, आके 100 होर भी उठ देवांगा तो बमा साजो समान देवांगा। मुर्गियां दी गल ना पे करेंदा, 100 उठ बमा साजो समान। अल्लाह दे नबी ने फिर ऐलान किया, हजरत उस्मान जी ऐलान करेंदे 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 900 उठा दी कतार ते पहुंच गए। उठ लदे लदाए समान नाल 900 उठा दी कतार उस्मान आ दिन मैं दे सां, सरकार 100 घोड़े भी मुजाहिदीन वास्ते दे सां। 5.5 किलो सोना प्याई मौलाना अब्दुर्रूफ साहब थैली ओ विच आ ते मेरे नबी दी झोली दे विच आ के पलट दित्ती। मेरे नबी फरमाया उस्मान आ अज जेड़ा तू अमल कीता है अल्लाह नूं इतना पसंद आया है जो अल्लाह ने तेरे उत्ते जन्नत नूं वाजिब फरमा दिता है। वाह साहबा खुदा दी कसम है कोई अजीम लोग हां, उन्हां दी मिसाल नहीं मिलती कैनात दे अंदर। बस इंज नहीं जो नबी मालदारां नूं नेड़े लावे ते गरीबां के पिछे बवो, नहीं नहीं। एक होर गरीब जिहा बंदा आया 5 किलो जौ लई वधा, हथ वेखा इस तरह इंज लगदा खून निकलदा पिया। एक बणिया मेरे नबी ने उहदे हथ नूं बोसा दे के फरमाया खैर वी एक करेंदा रहा। जिहड़े अल्लाह दे पाक पैगंबर जी घर च बच्चे भी भुखे न, वल्ला मैनू भी भुख लगी हुई। सारी रात यहूदी दे बाग नू पानी लैंदा रहा, रस्सा खुरदार आई उस मेरे हाथ जख्मी कर दिते। ए 5 किलो जौ मिले मैं चाह ते लई आया। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी इन्हां तो इलावा साढ़े कोल शै काई नहीं, ए कबूल फरमा लो। मेरे नबी ने उवा जौ अपनी झोली विच इंजे सटाया जिवें उस्मान दा सोना सटाया। मैं सारी गल नहीं सादा पका लै, एक गल सेन चबावी साहबी दा मैयार तेरे दिल च रहवे सी। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने जो चाहते जिहड़ी समान दी ढिगी लगी पई आई उत्ता च रखवाए, एक जो दा दाणा चाहते मेरे पैगंबर फरमाया अगर आवण वाली मेरी उम्मत दे अच्छे लोग हुजाज हुफाज उलमा मुत्तकी परहेज़गार ए सारे रल के भी ओद पहाड़ जितना सोना खर्च करन, आवन वाली उम्मत ओद पहाड़ जितना सोना च खर्च करे, मेरे इस सहाबी दे इस जौ दे एक दाने दी शान दा मुकाबला नहीं हो सकदा। ए हाय उन्हां दा खलूस ते इखलास जिहड़ा होर बंदा उहदा मुकाबला नहीं कर सकदा। अबू बकर सिद्दीक हाले तक नहीं आए ते हजरत उमर ढेर सारा माल चाह ते लई आंदे। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने अंदाज ही बदल दिता ते सोने दियां नजरां दरवाजे ते लगी होईयां, लगदा है कोई खास मेहमान रहंदा पिया। वेखिया ते अबू बकर सिद्दीक आया थोड़े जे इंजे कठड़ी जिही बद्दी वधियल समान दी ते वजूद ते कपड़े भी कोई नहीं, टाड़ ते बोरीए दा लिबास पाई वदा, बटन भी कोई नहीं, कंडे ते कांटे लाई वदा। अबू बकर सिद्दीक आया ते आके मटकू जिहा बह गया। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने सवाल दा अंदाज ही बदल दिता, आखे उमर जी या रसूल अल्लाह कितना लै के आया था कितना बचा ते आया। आके जी सारा माल जमा च कीता ई, अद्धा घर वाले वास्ते बचाई आया ते अद्धा तुहाडे कदम च हाजिर कर दिता। खुदा दी कसम उमर आई उवा कर सकदा जो अज आखिया जाए तो खुशी का खतरा है। हजरत उमर ने आखिया अद्धा छोड़ी आया अद्धा इत्थे लई आया। ओ मेरा यार गार अबू बकर सिद्दीक तू दसा कितना लै आया था कितना बचा ते आया। अबू बकर दे आंसू पै गिरदे, आखे माल अल्लाह दे नबी ने मंगया होवे, माल खत्मे नबूवत दा सेरा पा के आवण वाले ने मंगया होवे, माल कुरान सुनावण वाले ने मंगया होवे ते मंगया भी अल्लाह दे दीन वास्ते होवे। अबू बकर काई शै घर च बचा ते आवे ते अबू बकर दा ईमान इजाजत नहीं देंदा। ए उवा मौका है जिथे अबू बकर ने दीवारां ते हथ मारिया, पुछण वालिया ने पुछया खैर जणे एक मौके ते मैं सूई टुंगी आ
ਮੰਗਾਈ। ਅੱਜ ਅਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਮੌਲ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਸੂਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬੈਗਰ ਦਿਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੇਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਟ ਤੇ ਬੋਰੀਆ ਪਾਈ ਵਦਾ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਚ ਕਰਾਇਆ। ਇੰਜੇ ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਵੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਬਰਾਇਲ ਜੀ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ ਜਾ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆ, ਰੱਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਨੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਬਰਾਇਲ ਅਮੀਨ ਆਇਆ, 600 ਪਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਜ਼ਰਕ ਬਰਕ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਟਾਟ ਤੇ ਬੋਰੀਏ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਈ ਵਧਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰਾਇਲ ਆ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਟਾੜ ਤੇ ਬੋਰੀਏ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਟਾੜ ਤੇ ਬੋਰੀਏ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵਰਸੂਅਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਵਾ ਮਿਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾ ਹੁਮ ਯੁਨਫਿਕੂਨ, ਇਹ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਲਾ ਕਹੁਮੁਲ ਮੁਮਿਨੂਨ ਹੱਕਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਸੱਚੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਖਰੇ ਮੋਮਿਨ ਵੇਖਣੇ ਓਵਲ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਲਿਸ ਮੋਮਿਨ ਵੇਖਣੇ ਓਵਲ, ਕਿਸੇ ਕਾਮਿਲ ਮੋਮਿਨ ਵੇਖਣੇ ਓਵਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਹੁਮ ਦਰਜਾ ਇਲਦਾ ਰੱਬਹਿਮ ਵਮਗਫਿਰਾ ਵਰਜ਼ਕੁਲ ਕਰੀਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜ ਸਿਫਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਿਫਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਅਤੇ ਅਨਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਸਾ। ਅੱਲਾ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਜੁਮਲੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਗਰ ਜੁਮਲਾ ਬਾਈ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਗਰ ਰੁਫਕਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਏ ਤਾਮਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਵਲਾ ਅਕਬਤੁਲ ਮੁਤਕੀਨ ਵਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲਾ ਖੈਰ ਹਲਕੀ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੀ ਵਸਾਬੀ ਵਾਲ ਬੇਦੀ ਇਤਰਤੀ ਅਜਮਾਈ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ। ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਾਇਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਜ਼ੀ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਗਰ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤਾਜ਼ਰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਗਰ ਤਮਾਮ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੋ ਜਾਨ ਇਮਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ। ਭਾਈ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਾਮਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾਏ ਤਾਮਾ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹਨ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨੇਕ ਸਾਲੇ ਔਲਾਦ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨੇਕ ਸਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣਾਏ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਾਮਲਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਔਰ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਆਬਾਦ ਉਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਮਰਾਕਜ਼ ਅਹਿਲੇ ਤੌਹੀਦ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੋ ਕਾਮਰਾਨ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।
अल्लाह अपनी रहमत कामला दे नाल सानू सारयां नू कुरान सुन्नत की सही समझ अता फरमाए, उसते अमल की तौफीक अता फरमाए, सानू सारयां नू नमाज का पाबंद बना दे, सिरात मुस्तकीम ते चलाए, साडे अहलो अयाल नू सिरात मुस्तकीम ते चलाए, दीनी महफलों के अंदर मजीद बरकत दा नुज़ूल फरमाए, जितने शुरकाए महफिल अल्लाह सब की जायज़ आजाद गैब च पूरी फरमाए, दीन दुनिया की भलाइयां अता फरमाए, हर किस्म की आफात परेशानियों तो महफूज फरमाए, मुल्क मिल्लत की हिफाजत फरमाए, मसाजिद मदारिस की हिफाजत फरमाए, उलमाए हक्का की हिफाजत फरमाए, उन्होंने चाहन वालों की हिफाजत फरमाए, जिंदा रखे इस्लाम ते रखे खात्मा बिल ईमान फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का मुस्तहिक बनाए, उन्होंने दस्ते मुबारक तो जामे कौसर अता फरमाए, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्ताईस, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सुम्मा सल्ली अलैहि, रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस सलाम।